दिल्ली की सबसे चर्चित शराब नीति घोटाले में दिल्ली के सीएम पर जांच एजेंसियों का दौरा झटका लगा है। ईडी की जांच की जद में आए अरविंद केजरीवाल पहले से ही जेल में हैं। अब इस मामले में सीबीआई की एंट्री भी हो चुकी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब सीबीआई के रिमांड पर हैं। कोर्ट ने केजरीवाल को 3 दिन के सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। अब सीबीआई केजरीवाल से शराब घोटाला कांड में पूछताछ करेगी। केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करके जांच में जुटी थी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की सियासत में उबाल आ गया है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए तो बीजेपी ने उल्टा केजरीवाल पर दोष मढ़ दिए। आइए इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल नई मुसीबत में फंस गए हैं। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को अब सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, यानी ईडी के बाद अब सीबीआई के सवालों से अरविंद केजरीवाल का सामना होगा। सीबीआई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करे या नहीं, इसे लेकर भी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जबरदस्त बहस हुई। सीबीआई के वकील ने अपनी दलील दी तो केजरीवाल के वकील ने पूरे मामले में सीबीआई के एक्शन में आने पर ही सवाल खड़े कर दिए और केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि जिस तरह से सीबीआई ने गिरफ्तारी की है वो चिंता का विषय और संविधान के अनुच्छेद 21 के खिलाफ है। सीबीआई की तरफ से दाखिल रिमांड अर्जी की कॉपी भी हमें दी जाए। इस पर सीबीआई ने अपना पक्ष रखते हुए साफ कर दिया कि सीबीआई के लिए कोई बाध्यता नहीं है कि वो पूछताछ से पहले केजरीवाल के वकीलों को सूचित करे। हमने कोर्ट से इसकी अनुमति मांगी थी, लिहाजा केजरीवाल को हमारी हिरासत में भेजा जाए। इसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। हिरासत में लेते ही सीबीआई ने कोर्ट में ही केजरीवाल से पूछताछ की। पूछताछ के बाद सीबीआई ने केजरीवाल की रिमांड की भी मांग की, जिस पर लंबी बहस हुई। बहस में सीबीआई ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल जब गोवा दौरे पर गए थे तो उनका खर्च हवाला के जरिए दिया गया। सीबीआई ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाला। केजरीवाल ने शराब नीति से खुद को अनजान बताया। हमें केजरीवाल से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है। मनीष सिसोदिया को लेकर लगाए गए आरोपों पर केजरीवाल ने खुद अपना पक्ष रखा। केजरीवाल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, सीबीआई अपने सूत्रों से झूठी खबरें चला रही है। सीबीआई का प्लान हमें मीडिया में बदनाम करने का है। एक तरफ कोर्ट में केजरीवाल के रिमांड पर बहस हो रही थी तो कोर्ट के बाहर इस पर सियासत भी जोरदार जारी थी। मनीष सिसोदिया जब गिरफ्तार हुए, अरविंद केजरीवाल एक शब्द बोलने नहीं आए, सड़क पे एक बार नहीं उतरे, लेकिन विभव कुमार की गिरफ्तारी पर सड़कों पे आंदोलन करने के लिए उतरे। फिलहाल जो कड़ियां लगातार जुड़ रही हैं, उसका नुकसान केजरीवाल को ही हो रहा है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी जल्द से जल्द इस मामले में कोई ठोस रास्ता तलाशना चाहती है।